बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तहसीलदार के सिलेबस की। तो अगर आपने भी तहसीलदार में अप्लाई किया हुआ है तो और उसकी तैयारी के लिए सिलेबस नहीं मिल रहा, तो ये है जी उसका सिलेबस। पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का होगा, जिसमें इंग्लिश एसे और कंपोजिशन, ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो है एसे होगा और इसके अलावा प्रेसी एसे, एडियम्स, कंपोजिशन में करेक्शन वगैरह ये सब कुछ आ सकता है। और दूसरा पेपर जो होगा वो उर्दू एसे और कंपोजिशन का होगा। इसमें भी उसी तरह उर्दू एसे और इसी तरह जो है उर्दू मुहावरात वगैरह, गलत सही जुमले भी आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पेपर जो होगा वो MCQs टाइप होगा, 100 MCQs होंगे, जिसमें ये सारा डाटा दिया हुआ है, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, और इसके अलावा 30% जो है वो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के रिलेटेड होगा। चौथा जो पेपर है वो MCQs टाइप पेपर होगा, रेवेन्यूज लाज में से MCQs आएंगे, 100 MCQs, और ये 100 मार्क्स के होंगे। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सिर्फ 4 पेपर्स को पास करके आप जो है वो PMS के इक्वल तहसीलदार बन सकते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है अगर आप कहेंगे तो हम इसी चैनल पे आपको इसकी तैयारी भी करवा देंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में एक्सपेक्टेड है, तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, इसमें हम अगर हम फोकस्ड तैयारी करें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।